हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 कलरव। ये हिंदी भाषा की बुक है। आप कक्षा 3 वाले बच्चे सभी कलरव की किताब खोल लें और आज का चैप्टर निकाल लें। देखते हैं आज का कौन सा चैप्टर है। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 15, जड़ और फूल। जड़ और फूल, ये एक पेड़ और जड़ की कहानी है। पेड़ पेड़ के फूल और जड़ की कहानी है। ये गुलमोहर का पेड़ है। तो आइए पढ़ते हैं ये पाठ। क्या है पाठ में? एक गुलमोहर का पेड़ था। जब उस पर लाल फूलों के गुच्छे लगते तो वह गुलदस्ता जैसा लगता था। एक बार फूलों को शैतानी सूझी। उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कहा। उसकी खूब हंसी उड़ाई, लेकिन चुप जड़ चुप ही रही, कुछ भी ना बोली। बरसात आई, बादल जोर से गरजे, बिजली जोर से चमकी। फिर गुलमोहर पर आकाश से आग की लपटें झपटी और बिजली गिरने से गुलमोहर झुलस गया। झुलस गया गुलमोहर, एकदम टूट सा हो गया। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, खोलेंगे। बरसात बीती, जाड़ा गया और बसंत आया। फिर हुआ एक चमत्कार। उसी गुलमोहर के ठूंठ पर कोपले आई, शाखाओं पर नए पत्ते निकले और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर कलियां बनी और कलियों से लाल लाल फूल। जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल, तुम कैसे हो? नए खिले फूल समझते थे कि जड़ की सेवा और मेहनत से ही पेड़ फिर से पनपा है। फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाया और कहा, हमने आपके ही कारण जीवन पाया है। आप सचमुच खूबसूरत हो।